हमें वो चाहिए ओवन ये डोलेंसी है ये डोलेंसी है 131 एचपी मॉडल है ये बेकिंग के लिए इस्तेमाल होता है इसके लिए तीन साइडों से बेकिंग होती है ये आपको मिलेगा 38,000 रुपये गर्म करने का फायदा तो है नहीं प्रॉपर नहीं होती रेट ज्यादा है उतने ही का ही आपको सेट पड़ जाएगा इसमें एक छोटा ओवन ले बेकिंग वाले एक सेपरेट से उतने ही जो पड़ेगा जितने का वो है लेकिन इसमें बेकिंग तो प्रॉपर हो गया कौन सा लेना बोले एलईडी लेके गई है ओरिएंट की आपसे एक तो वो स्मार्ट वो उसके वाईफाई नहीं लग रहा दूसरा मैं चीजें आपसे लेती हूँ इसलिए मैं इधर उधर नहीं जाती चाइना की ना चीजें मिले लोअर सेंटर वालों का नाम है ठीक है लेकिन तो उसके जाते ही थोड़ा टाइम बाद साल भी नहीं चली उसका एक स्पीकर एलईडी हर चीजों की नस्लें होती हैं तो उसके ओरिएंट वालों को किया फोन नहीं इको स्टार सॉरी मेरे मुंह से इको स्टार वालों को फोन किया वो कहते हैं हमारे ताजबाग ऑफिस है पता नहीं किधर है ताजबाग वहाँ लेके गए उन लोगों ने 2500 के दोनों स्पीकर डाले मैंने कहा ये तो यार ड्रामेबाजी ही है अगर हम कहीं लोकल शॉप पे जाते 300-400 का स्पीकर डाल देना तो वैसे ही है कंपनी ये फिर अपना नाम पर तो बनाना तो फिर मैं आ गई हूँ लाहौर सेंट्रल मैंने बड़ी बहुत ज्यादा चीजें ली हैं तो थोड़ा सा ना कोऑपरेट भी किया करें फंक्शन का मतलब ये है कि एक ड्रॉप घी के ड्रॉप से आप इसमें मछली या चिकन बना सकते प्राइस नहीं ये छोटी छोटी मशीन मिनी मशीन ये सही है जहाँ मर्जी रखो लगा लो अच्छा जी ये है इसकी प्राइस क्या बताइए ये आपको मिलेगा 14,000 बारह चौदह 15,000 वाली तो गल ही कोई नहीं जी हूँ सही बात है ना हाँ जी ऐसे ही वो भी बड़ी है यकीन करें बहुत ही सस्ती है वो भी कोई नहीं सस्ती नहीं सस्ती इलाज ना हो तो बहुत ये लाहौर सेंटर है तो यहाँ से मैं लेके जाती हूँ चीज़ें हम लेने आए हैं ओवन तो भाई इधर आके तो पता चला है भाई प्राइस ही बहुत ज़्यादा है तो फ्रिजा की कितनी होएगी भाई ये चूल्हे 10,000 का है भाई ये भी इतने का चूल्हे भी कितने प्यारे लगे हुए हैं ये देखिए माशाल्लाह अल्लाह पाक मुझे अपना घर देगा ना फिर मैं लेके जाऊंगी ऐसा चूल्हा इंशाल्लाह छोटी छोटी मिनी मशीन कपड़े धोने वाली ये देखिए ये मशीन देखिए ये कितनी अच्छी छोटी छोटी ना वॉशिंग मशीन बनी हुई है मिनी ये नीचे इनके नलके लगे हुए हैं पानी ड्रेन करने के लिए ये देखिए हम लोग आ गए हैं दूसरी शॉप पे वो लाहौर सेंटर था भाई वो तो 42,000 मांग रहा था ओवन का तोबा 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 भी ये फ्रिजे हम साथ वाली शॉप पे आ गए इतनी बड़ी बड़ी शॉप्स हैं भैया ज़रा ये पड़े हुए ओवन जी इस शॉप पे ग्रिल वाला किधर है ग्रिल वाला ऑटोमेटिक मशीन है ये ऑटोमेटिक मशीन है भाई चीज़ें बहुत महंगी ये देखे सी जी अच्छा जी हम लोग आए हुए हैं लिंक रोड पे ये शॉप्स हैं लाहौर सेंटर साथ हम दो तीन शॉप पे और गए हैं तो रेट इनसे भी ज़्यादा है तो मैं ना हमेशा जो भी लेती हूँ ना लाहौर सेंटर से ही लेती हूँ तो भांजी मेरी आई हुई है भांजी आई हुई है तो उसकी है छोटी सी बेबी वो मैं घर जाकर दिखाऊंगी बहुत प्यारी है माशाल्लाह तो उसके फीडर के लिए ये ओवन ले रही है कहती है हमारी 9:30 से रात 9:30 के बाद चली जाती लाइट तो मैंने ओवन में करना दूध गर्म तो ओवन कितने का भाई 40,000-42,000 चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हैं तो और मैंने सोचा हमारी जूसर मशीन तंग करती है और मेरी सिंपल है तो मैंने कहा चलो मैं भी ले लेती हूँ तो वो भी 16,000-20,000-25,000-28,000 बंदा क्या करे ऊपर से ये भी कह रहे हैं कि आज रात तक ये रेट हैं तो रात को रेट इन चीज़ों के बढ़ जाएंगे ये धमकी है
आ गई हूँ। सुबह के हम लोग गए हुए तकरीबन 3 बजे गए थे और अब टाइम हो गया 6 का, 3-4 घंटे हम लगा चुके हैं और घर हम आ गए हैं और ये सामान लेके हैं। कहीं हमारा रेट नहीं बनता, कहीं रेट बन जाता है तो हमारे पास पैसे कम पड़ जाते हैं, कभी रिक्शे वाला नहीं मिलता। ये गरीब बंदे की जिंदगी है। अभी मेरे आए हुए थे गेस्ट, उन लोगों ने लेना था ओवन, तो मैं साथ गई तो मेरी भाई जूसर मशीन बिल्कुल सिंपल थी, उसमें सिर्फ अदरक लहसुन की पेस्ट बन सकती थी, टमाटर की पेस्ट बन सकती थी, जूस नहीं निकल सकता था, सिंपल स्ट्रॉबेरी। तो मेरे बच्चों की इतनी टफ पढ़ाई हो गई अब, तो दोनों के सर में दर्द ही नहीं जाती। और मेरी भी नज़र का जो मसला बना था, मुझे डॉक्टर ने सबसे पहले यही कहा कि आप गाजर का जूस पिए और चिकंदर का जूस दें। तो बंदा डॉक्टर को क्या बताया, भी हमारे पास मशीन नहीं है, जूसर मशीन नहीं है। तो मैंने फिर सबर शुक्र करके तो ये मैंने मशीन ले ली है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आईजोन वालों की जूसर मशीन है, तो नीचे लेके आए हम ओवन। ओवन की तो भाई बहुत ज्यादा प्राइस है, वो ग्रिल वाला है, तो ये मेरी तो सिंपल जी मशीन है, तो मैं ले आई हूँ। इसमें फूड फैक्ट्री महंगी मैं ये खोलती हूँ। आप लोगों ने मुझे बताना है अभी मैंने अच्छा किया या नहीं अच्छा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये है जी, ये देखे, ये शीशे के हैं, ये मसाला पीसने वाली। इस तरह की सिंपल तो थी मेरे पास, वो दूसरी थी। अच्छा, उधर मैंने मेरे साथ मेरी जो भांजी गई थी, मैंने कहा इसके ना घर जाकर पटाखे मारेंगे, बहुत मजा आता है। बहुत मजा आता है। हमें टाइम क्यों लग गया, पहले हमने मशीन ले ली तो वो चेक करवा के देते हैं, तो जब हम चेक करने लगे तो उसका एक बटन खराब। मैंने कहा भाई मैंने पैसे को कम थोड़े दिए हैं आप लोगों को, ये देखे माशाल्लाह, ये है, इसमें डालेंगे गाजरें तो जूस निकाल के पिएंगे। तो ये कोई चक्कर नहीं, जल्दी जल्दी मैं ओवन भी खोल के दिखा देती हूँ। रहमान रहीम, अब खोलने लगे हैं ओवन। ओवन मेरा नहीं है, ओवन मेरे जो गेस्ट आए हैं मेरी भांजी उसका, तो वो ले सकती है भाई, उसकी गैस नहीं आती। वो कहती मैंने अपने बच्चों को दूध गर्म करके देना होता है, मैंने अपने बच्चों को जो भी करना है ये मेरे से निकाला नहीं जाएगा, बाहर निकाल, मैं इतना वजनी मैं कैसे निकालूं। अच्छे वाला लेके आई, ये बहुत महंगा है भाई, मैं इसको बल्कि डांट रही थी, मैंने कहा हल्के वाला ले लो, सिंपल ले लो सादा। कहती साला नहीं गर्म करना है तो चावल गर्म है, मैं तवे तो कर लूंगी भाई, मैंने लेना है तो अच्छा ही लेना है। तो मैंने कहा चले ठीक है, पिक्स दिखा देती हूँ, ये देखे, ये है माशाल्लाह। और आज की वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया करें। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई, अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर तो बनता है, और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो मेरे लिए ज़्यादा दुआ करें, अल्लाह पाक मेरे माली हालात और तबीयत सब कुछ मेरे लिए ठीक कर दे, क्योंकि आजकल मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही है। तो मैंने कहा भी पता नहीं, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, अपने बच्चों को तो सही तरीके खड़ी कर जूं पैरों पे, क्योंकि मेरी बेटी भी बीमार रहना शुरू हो गई है, बेटा भी। ये लोग जब आते हैं कहते हैं सर में दर्द, आंख में दर्द, सर में दर्द, आंखों में दर्द। एक के 10th के पेपर हैं, एक के 2nd ईयर के पेपर हैं, तो पढ़ाई बहुत टफ है, इसलिए ये मैंने यकीन करें काम किया है। अच्छा, एक छोटी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं बीच में काट दूंगी, मैंने बात करनी थी। एक उधर आदमी और मेरी तरह थी, वो फ्रिज ले रहे थे, तो मैंने मजाक में कहा, मैंने कहा ये मेरी तरह ना बेशक कमेटी इकट्ठी करके आए हूँ फ्रिज लाएं। बाद में जब हम लेके चीजें बनी तो वो भी फ्रिज, उन लोगों ने 95,000 की फ्रिज ली माशाल्लाह। तो मैंने कहा बाजी कितने की है ये फ्रिज है, तो कहती बाजी 95,000 की। तो मैंने कहा हंस पड़ी, मैंने कहा मैंने अंदर मजाक है, तो कहती बाजी आपने मजाक सही किया है, कसम से हमारी फ्रिज खराब हुई थी, मैं अपने भाई से उधार लेके आई हूँ और 4 महीने बाद मेरी कमेटी है, मैंने कमेटी के पैसे यूज किए। हम लोग कमेटियां डालते हैं अपने बजट करके, उससे हम चीजें लेते हैं। चले जी, ओके, अल्लाह हाफिज, खुश रहिए, प्यार।